हेलो गाइस, आप देख रहे हो क्रिकेट अद विशाल। ये वीडियो सभी बैट्समैन के लिए है। गाइस, आज हम बात करेंगे कि स्पिनर्स को आप कैसे खेल सकते हो और साथ साथ कैसे लंबे लंबे छक्के मारो स्पिनर्स के खिलाफ। गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि स्पिनर्स को खेलते हुए बहुत भाई ऐसे हैं जो डरते हैं, मतलब उनको लगता है कि स्पिनर्स आएंगे तो विकेट ले लेंगे। तो आज वो आपकी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको पूरा समझा दूंगा कैसे आप अच्छी तरह स्पिनर्स को खेल सकते हैं और आराम से बैटिंग कर सकते हैं। और गाइस, गिव अवे मैंने कल वाली वीडियो में डाल दिया था, अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप जाके देख सकते हैं, तो वहाँ पर पार्टिसिपेट कर लो क्योंकि बहुत बड़ा गिव अवे आपके भाई ने करा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। It's just another doorway to open up and see what kind of... Guys, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको बड़ा बैट्समैन बनना है तो स्पिनर्स को खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख सकते हो वर्ल्ड में जो भी आज बड़े बैट्समैन हैं सब स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। उसमें आप ले सकते हो विलियमसन को, ले सकते हो विराट कोहली को, ले सकते हो रोहित शर्मा को, ले सकते हो जो भी आज बड़े बैट्समैन हैं सब स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। तो अगर आपको अच्छा बैट्समैन बनना है, आपको मीडियम पेसर भी अच्छे खेलने, स्पिनर्स भी अच्छे खेलने, तो ये वीडियो बहुत जरूरी है। स्पिनर्स आज आप खेलना सीख जाओगे। तो सबसे पहले बेसिक बातें बताऊंगा और लास्ट में आपको ड्रिल बताऊंगा कि क्या ड्रिल है जो स्पिनर्स को आप अच्छे से खेल सकते हो। सबसे पहले मैं आपको स्टांस बता दूं, स्टांस आपको कैसे लेना है। जब भी आप स्पिनर्स के खिलाफ खड़े होंगे तो गाइज हमेशा थोड़ा सा डाउन होकर खड़ा होना है क्योंकि स्पिनर्स के बॉल हमें खेलना पड़ेगा, स्पिनर्स की बॉल हमें डाउन होकर खेलना पड़ेगा। मीडियम पेसर क्या होती है, वो तेज फेंकते हैं। जैसे हम थोड़ा अगर खड़े होकर भी स्टांस लेंगे ना तो क्या होता है, हम बॉल हमारे पे आएगी, मतलब तेज फेंकते हैं। अगर आप स्पिनर्स को खेलोगे तो बॉल पे जाना पड़ेगा हमें, बॉल लो रहती है, तो इसलिए आपको ग्लूट से बैंड होकर थोड़ा डाउन होकर खेलना है। जब भी स्पिनर्स आएंगे तो थोड़ा आपको कोशिश करनी है कि डाउन होकर खेलना है। उससे क्या होगा, आप बॉल के ज़्यादा क्लोज रहोगे और बॉल ज़्यादा से अच्छे से दिखेगी। जैसे आप मीडियम पेसर के खिलाफ अच्छी तेज बॉल डाल रहे हो तो ऊपर खड़े हो सकते हो, यहाँ से भी ईजी रहेगा। अगर आप स्पिनर्स के खिलाफ खड़े हो तो थोड़े डाउन हो सकते हो ऐसे, उससे क्या होगा, कंफर्टेबल ज़्यादा फील होगा आपको। तो सबसे पहले आपको बता दें, थोड़ा डाउन होकर खेलो, बॉल के ज़्यादा क्लोज रहोगे। अब आपको बता दूँ लेग्स का क्या मूवमेंट रहेगी। और स्पिनर्स के खिलाफ अगर आपने लेग्स की मूवमेंट कर लेना गाइस, तो आप महारत हासिल कर लोगे स्पिन खेलने में। तो लेग की बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेग्स की मूवमेंट करना ये की पॉइंट है स्पिनर्स को खेलने। गाइस, अब आपको बता दूं लेग्स की क्या मूवमेंट रहेगी। लेग्स आपको हमेशा जब खड़े हो तो स्पिनर्स जैसे बॉल डालते हो, लेग आपको हमेशा खोल कर डालना है। कभी भी आपका लेग स्पिनर्स के खिलाफ ऐसे नहीं डलेगा। अगर यहाँ बॉल पिच छोड़ी है तो स्पिनर्स को आपको ब्लॉक नहीं होना है, पहले उसको क्लोज ऐसे नहीं डालना है। तो कोशिश करना है कि ऐसा लेग आपका खुलेगा, उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप बॉल की लाइन में रहोगे। अगर आप पहले ही क्रॉस हो जाओगे तो कोई कभी भी आप स्पिनर्स को नहीं खेल सकते हो। तो कोशिश करना है कि लेग को आपको खोल के डालना है, जैसे मैंने आपको बताया बॉल पिच होगी उसके सामने आपका लेग डालना चाहिए। अगर क्रॉस है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और लेग मूवमेंट होना चाहिए, जैसे मैं स्टांस लेके खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं स्टांस लेके खड़ा हूँ, तो आपको पहले एडजस्ट करना है कि बॉल छोटा है या आगे है। कैसे आपको दिख गया बॉल पीछे पिच हुआ है तो पीछे जाना है, अगर आगे पिच हुआ है तो आगे जाना है। उससे फ़ायदा क्या होगा, आप रेडी रहोगे। अगर आप टर्न को और पिच को एडजस्ट नहीं करते हो ना तो बहुत लेट हो जाओगे, वो एज लग जाएगा, ये टर्न होके एलबी हो सकते हो। तो सबसे पहले ये करना ज़रूरी है। अब आपको बता दूं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्पिनर्स के खेलना, एक तो गाइस क्या होता है, जब हमें ज़्यादा टर्न नहीं समझ आता है तो हम क्या करते हैं, स्वीप करते हैं या फिर स्टेप आउट करते हैं। तो दोनों बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बता दूं आपको स्टेप आउट कैसे करना है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ आगे निकल के सिक्स मार सकते हो तो स्टेप आउट बहुत ज़रूरी है स्पिनर्स के खिलाफ। तो स्टेप आउट करने में सबसे ज़रूरी क्या है, आपको बॉल तक पहुंचना है। सबसे पहला काम ये है, आपको बॉल तक पहुंचना है। जब भी आप स्टेप आउट करोगे, यहाँ खड़े हो तो बॉल तक पहुंचना है। और आपको ये भी देखना है कि बॉल आपसे कितना दूर है, बॉल हाथ, कभी भी ये गलती मत करो, हाथ में जैसे छूटे ना उससे पहले आपको स्टेप आउट नहीं करना है। अगर हाथ से छूटने से पहले आपने स्टेप आउट करा तो बॉलर बहुत समझदार है आज के टाइम में, वो बाहर भी डाल सकते हैं, छोटा डाल सकते हैं, जैसे आप देखते हो वाइड डालते हैं, चहल बहुत तेज़ है उसमें, जैसे मैक्सवेल आगे बढ़ते हैं वो वाइड डाल देते हैं तो फिर स्टम्प हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको हाथ में छूटने से पहले आपको नहीं करना है, आपको दिख गया कि हाथ से छूट गया बॉल, उसके बाद आपको सोचना है कि हाँ कहाँ रहा है, फ्लाइट है मतलब स्टेप आउट करने वाला है या बिल्कुल मुंह पे है, वो आपको एडजस्ट करना है। अगर आपने देख लिया कि हाँ आगे बढ़ने वाला है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बॉल के गाइज आपको चढ़ के उसके मुँह पे पहुँचना है, मतलब जहाँ बॉल है वहाँ पे पहुँचना है। पहुँचना कैसे गाइज, आपको ऐसे कूद के नहीं जाना है, ये ध्यान रखना है। अगर आप कूद के जाओगे तो डिसबैलेंस रहेगा। तो आपको कैसे रखना है, आप हमेशा लेग रखने की कोशिश करो कि आप एक पैर से आगे जाओ ऐसे। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, तो कोशिश आपकी ये रहेगी आप पहले ये वाला पैर रखो ऐसे आगे जाना है। उससे क्या फ़ायदा होगा, बॉल आप एडजस्ट करके इतना बढ़ोगे। अगर आप पहले कूद जाते हो तो बॉल अगर थोड़ा पीछे है एडजस्ट नहीं होगा, ऊपर खड़ी हो जाएगी, तो आपको उतना ही आगे बढ़ना है। अगर आपको लग रहा है जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आपको लग रहा है कि अपना थोड़ा दूर है तो आप ऐसे जल्दी जा सकते हो आगे, जैसे आप देखते हो सब प्लेयर ऐसे जाते हैं, छोटे छोटे कदम में आगे जाना है। गाइस छोटे कदम रखने कैसे हैं, गाइस छोटे कदम आपको ऐसे रखने हैं जैसे ये पैर आपका आगे जाएगा फिर ये आएगा, ऐसे रखने हैं। छोटे कदम रखते हुए ये ध्यान रखना है, पहले ये पैर गया, पहले ये गया आपका, फिर ये पीछे आया, ये गया, ये रखना है। और आगे बढ़ने में कुछ करना है, पैर खोल के ही आपको आगे बढ़ना है। और
शोल्डर आपका डाउन होना चाहिए। जैसे आप आगे बढ़ोगे तो बॉल तक आपको पहुंचना है, तो शोल्डर आपका डाउन हो गए पहुंचना है। आप ऐसे पहुंचोगे तो कुछ फायदा नहीं है। तो आपको जब भी पहुंच गए बॉल पे डाउन करके ऐसे बैकलिफ्ट आपके ऊपर रहेगी और फिर उड़ाना है या ग्राउंडेड मारना है, जो भी आपको करना है उससे फायदा होगा। बॉल आप क्लोज देखोगे और बहुत मदद होगी आपको जब लंबे लंबे छक्के लगाओगे। और स्पिनर के खिलाफ गाइस क्या होता है, पैर का यूज ज़्यादा होता है, दूसरा क्या होता है पावर हमें अपनी लगानी पड़ती है, पावर स्पिनर्स बहुत कम देते हैं, तो आपको अपनी पावर लगानी पड़ेगी। तो टाइम के साथ पावर लगानी है, अगर आप मिस हिट करोगे तो ऊपर खड़ाई होगा, एज लगेगा। तो पावर और टाइम दोनों एक साथ करना है स्पिनर्स के खिलाफ। और गाइस स्पिनर्स के खिलाफ आपकी बैट स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। आप देखते हो रसल जैसे स्पिनर्स को लगाते हैं, गेल लगाते हैं, सबकी बैकलिफ्ट ऊपर से आती है और पूरा घुमाते हैं जब भी जाके वो लंबे छक्के जाएंगे। तो आपकी दोनों चीज़ ध्यान रखनी है, आपको बैट स्पीड भी आपकी ऊपर से आएगी और साथ में जैसे मैंने आपको बताया टाइमिंग के साथ मारना, जान जल लगानी है, क्योंकि स्पिनर्स आपको बिल्कुल भी पेस देने वाली नहीं। मीडियम पेस को आप टाइम से कर सके मार सकते हो, पर पावर आपको स्पिनर्स में भी लगाना पड़ेगा अगर छक्के लंबे मारने हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अगर छक्के लगाने। और गाइस साथ साथ में आपको ढूंढना है कि बॉल कौन सा मिल रहा है, बना के मारना पड़ेगा। जैसे आप देखते हो केएल राहुल सबसे अच्छा बना के मारते हैं कवर्स के ऊपर से, अगर रूम आपको नहीं मिल रहा तो बना के मारना पड़ेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा स्पिनर्स कहाँ बॉल डालते हैं, अच्छे स्पिनर्स एक जगह डालते रहते हैं तो चेंज करने के लिए आपको स्टेप आउट करना पड़ेगा और साथ में स्वीप भी आपको खेलने पड़ेंगे। तो स्वीप आपको कैसे खेलना है आपको देखनी पड़ेगी कौन सी लाइन में बॉल है। स्वीप खेलने के लिए भी छोटी सी टेक्निक यही है कि देखनी पड़ेगी आपकी लाइन में बॉल है। अगर आपको टर्न उसका पिच नहीं हो रहा है, गूगली कब डाल रहा है वो कब डाल रहा है, तो उसमें स्वीप खेल सकते हैं, वो भी अच्छा एक तरीका है। उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा कि स्वीप कैसे खेलना है। तो मैं आपको ड्रिल बता दूं, छोटी सी ड्रिल है अपनी, वो आप देखो स्टेप आउट करके कैसे खेलना है और अपने स्पिनर्स को खेलने के लिए सबसे अच्छी ड्रिल है वो देखें। आगे फिर मिलते हैं। तो गाइज आपने जो ड्रिल देखी ये आप ड्रिल करना स्टार्ट करो और मैं गारंटेड बोल रहा हूँ बहुत अच्छी आपकी बैटिंग हो जाएगी स्पिनर्स के खिलाफ। और आपको कितना करना है गाइज, सुबह शाम करो, स्पिनर्स के लिए सबसे अच्छी ड्रिल है अपनी अंडर आर्म। मीडियम पेसर के लिए ओवर आर्म होती है, स्पिनर्स के लिए अंडर आर्म। जितना ज़्यादा आप स्पिनर्स के लिए ड्रिल करोगे उसमें कोशिश करना है टर्न करके डालना है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया वो हम अंडर आर्म बोल कर रहे थे, उसमें अगर आप फिंगर्स का यूज़ करोगे टर्न करके करोगे तो वो बहुत आसान हो जाएगा। और पैर का भी ऐसे यूज़ करना है फुट मूवमेंट जैसे मैंने आपको बताया, और साथ साथ में आप स्टेप आउट भी ऐसे ही करना है, तो बहुत अच्छी आपकी बैटिंग हो जाएगी। और फिर मुझे भी मोटिवेशन मिलता है जब आप अच्छी बैटिंग करते हो, अच्छे कमेंट करते हो, कमेंट भी किया करो और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब कर दो अपने भाई का चैनल। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।